चैनल बैंक निफ्टी लवर्स। दोस्तों पहले आज इस वीडियो में मैं आपको कल के इंट्राडे स्टॉक्स की जानकारी दूंगा, साथ ही साथ आज जो इंट्राडे स्टॉक्स की हमारी परफॉर्मेंस रही उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। ये देखिए जुबिलेंट लाइफ साइंस का स्टॉक है जिसमें कि हमें 2.27 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी कि नुकसान हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक हमारा दूसरा था स्टॉक, वो उसमें हमारा उसमें हमारा ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ। और फिर हमारे पास दो बुलिश स्टॉक थे। देखिए ये ग्लेनमार्क फार्मा 1.34% इसमें प्रॉफिट हुआ है। आईजीएल देखते हैं दोस्तों, आईजीएल में क्या हुआ है। आईजीएल में भी शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सॉरी, इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल, समझ ले रहा है, इंद्रप्रस्थ गैस। ये देखिए इसमें भी हमारा माइनस 1 पॉइंट, यानी कि दो दो में स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1.22% इसमें भी गया। और एक मनापुरम फाइनेंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये वाला, ये देखिए यहाँ पे भी हमारा 2.46 का नुकसान हुआ। तो ये हमारे जो स्टॉक्स थे दोस्तों, ये थे हमारे, इसमें ये एक ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ये इंद्रप्रस्थ गैस में हुआ है, और ये बाकी के तीन ट्रेंडिंग में प्रॉफिट देखे गए हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा 1.63% का नुकसान रहा, यानी कि 1,630 रुपए का, अगर उसको 4-5 गुना भी माने तो आप समझ लीजिए कि लगभग हमारा आज जो काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर 4 गुना भी माने, जैसे कि मैं प्रॉफिट के लिए कहता हूँ तो वैसे नुकसान के लिए भी कहना चाहिए, तो लगभग हमारा 6,000 रुपए का आज नुकसान हुआ है। तो ये आज मतलब इतने दिनों में सबसे बड़ा नुकसान ये है। सेकेंड डे जो है, सेकेंड महीने डेढ़ महीने में मेरे ख्याल से दूसरा दिन है होगा जिसमें हमने हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कल के इंट्राडे स्टॉक क्या है, क्योंकि आज मार्केट लास्ट मूव में घूमी एकदम जबरदस्त। जब स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया उसके वजह से मार्केट प्लस में आई है, वरना तो ये नीचे ही जा रही थी। तो देखते हैं कि कल के हमारे इंट्राडे स्टॉक्स क्या क्या हैं। देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हमारे पास 8 स्टॉक्स हैं दोस्तों, अंबुजा सीमेंट, एसीसी लिमिटेड, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, बजाज ऑटो, पेट्रोनेट, एलएनजी, अमर राजा बैटरीज, टोरेंट पावर, इंफोसिस, ये 8 स्टॉक है। इसमें आप 4 भी ले सकते हो, कोई भी आपके मनपसंद जो आप 4 ले सकते हो, ताकि स्टॉक्स ज़्यादा भी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हो सके तो इसमें से सिलेक्टिव स्टॉक्स ही लें आप। जैसे कि 8 में से 4 ले लें ट्रेंडिंग में, तो ट्रेंडिंग में आपको पता ही है कि क्या करना है, हायर लो मार्क कर दें फर्स्ट 15 मिनट्स का, और जो भी ब्रेक हो उसमें एंट्री बनाएं। तो अगर हाई ब्रेक होता है तो बाय करें, अगर लो ब्रेक होता है तो सेल करें, और उसका स्टॉप लॉस अगर बाय किया है तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर सेल किया है तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। बुलिश स्टॉक्स मैंने दिए नहीं है, है भी नहीं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी आ सकते हैं, इसमें तो काफ़ी स्टॉप हो रहे थे इसलिए मैंने उसमें दिया नहीं है। और बेरिश में जो है भारतीय एयरटेल और इन्फो एज है, तो बेरिश में आप लोग पता ही है कि पहले 15 मिनट्स की कैंडल को मार्क कर दें लो, और फिर उसमें अगर लो ब्रेक होता है तो हमने सेल करना है, वरना आपने इसको बाय भी नहीं करना है ब्रेक होने पर, इसमें केवल सेल ही करना है। तो ये टोटल मिला के 10 स्टॉक्स हैं 1 लाख रुपए की कैपिटल मान के चलो। तो दोस्तों आज का दिन ठीक नहीं रहा, खराब रहा, चलिए इतने दिनों में एक दो दिन तो ऐसा आएंगे जिसमें हमें लॉस बुक करना पड़ेगा, 100% कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी और आप ट्रेड करना भी सीख गए होंगे कि किस तरह से 15 मिनट ब्रेकआउट कैंडल को ट्रेड करना है। स्टॉक सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण इसका अंग होता है, तो जो कि मैं आपको देते रहता हूँ। अगर वन साइडेड
मार्केट रही, जब मार्केट कभी ऊपर या नीचे हो जाती है, फर्स्ट फेज में ऊपर या नीचे और फिर सेकंड फेज में ऑपोजिट चलती है, तो इसमें हमारा जो है नुकसान ही होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल है गेम का और ये स्टॉक मार्केट का है। तो रूल है कि हमेशा विन विन सिचुएशन नहीं होती, कभी कभी लॉस भी बुक करना पड़ता है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पॉइंट अप करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।